वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में हम लोग आप सभी के ICSE क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्विक रिवीजन करेंगे, जो आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इस वीडियो के बाद जस्ट आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको इस चैप्टर से कि आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया गया है। आप उस वीडियो को देख लें एंड साथ ही साथ इस चैप्टर से बस PYQs का प्रैक्टिस कर लो। समझ लो आपका चैप्टर ये कन्फर्म हो गया। इसमें आप जिससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको आप 100% सॉल्व कर पाओगे। और अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो हमारा जो आज का वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और हमारे इस चैनल पर आपको सलीना एंड एमल अग्रवाल बुक की सभी चैप्टर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए गए हैं, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाके आप ज़रूर देखें। देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में होता क्या है, पहले तो आप समझ लो रेशियो क्या है। रेशियो मतलब क्या होता है कि सिमिली कंपेरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, कंपेरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, इसी को हम बोले क्वांटिटीज, इसी को बोला गया रेशियो। ठीक है, जैसे हाइट का हाइट से कंपेयर, मास का मास से कंपेयर, और कह लो कि किलोमीटर का किलोमीटर से कंपेरिजन, इन सबको बोला गया रेशियो। ठीक है, तो ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं पूछे जाते हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, जो हम लोग ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, वो है हमारा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन आपको ध्यान से समझना है, इससे क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। देखो प्रोपोर्शन का मतलब होता क्या है कि अगर आपको बोला जाए कि आपके दो रेशियो हमारे पास हैं, एक रेशियो a by b रेशियो है और दूसरा रेशियो हमारा c by d है, अगर दोनों के दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाएँ तो इनको हम क्या बोलेंगे कि किसमें हैं, प्रोपोर्शन में है। और इनको हम कैसे डिनोट करते हैं कि ए रेशियो बी सच डैट सी रेशियो डी, या फिर इसके अलावा इसको हम कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शन। यानी अगर चार नंबर आपको दिए गए हैं a b c एंड d, और अगर ये प्रोपोर्शन में है मतलब वो इसको फॉलो करेंगे, यानी इनको हम कैसे नोट करेंगे कि a अपॉन b का रेशियो किसके इक्वल होगा, c अपॉन d के। अगर इस रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ही ये चार नंबर प्रोपोर्शन में होंगे, वरना प्रोपोर्शन में नहीं होंगे। तो कभी भी आपको बोला जाए कि कोई भी चार नंबर, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको बोला जाए कि e f g एंड h आर इन प्रोपोर्शन, तो मतलब क्या है कि हम इसको कैसे नोट कर पाएंगे कि e अपॉन f इक्वल्स टू में g by h। अगर आप ऐसा नोट डाउन को कर सकते हो तो ही इनको हम प्रोपोर्शन में बोलेंगे, वरना प्रोपोर्शन में नहीं बोलेंगे। अब होता क्या है, यहाँ पे कुछ समझने वाले टर्म्स हैं, इनको अपने कॉपी पेन पे नोट डाउन करते चलो। कॉपी पे इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, जो हमारा a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d हम नोट कर रहे हैं, पहले वाले को हम बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ये हमारा होता है सेकंड प्रोपोर्शनल, इसको हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। इसको हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, पहला वाला हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, देन अगर आपने इनको ऐसे नोट डाउन किया है कि ए रेशियो बी इन प्रोपोर्शन विथ सी रेशियो डी, तो हम दोनों बाहर वालों को बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं इनको, एक्सट्रीम्स। और अंदर वालों को बोला जाता है मीन्स, इनको बोला जाता है मीन्स। और प्रोपोर्शन में होने के लिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल होना चाहिए। यानी कि ए डी किसके इक्वल होगा, तो बी सी के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो अगर इस इतना सब आपको समझना है कि इसमें प्रोपोर्शन में समझना है, और आप इस वीडियो को देखें, और इसके जस्ट बाद दूसरा वीडियो पोस्ट हो रहा है जिसमें आपको इस चैप्टर के सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, उनको ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें हमने हर एक फॉर्मूले बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर डिस्कस किया है। ठीक है, देन अगला जो हमारा है, जो हमें समझना है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी नंबर दिए जाए, जैसे मान लो आपको नंबर दिया गया a b c d एंड e, आपको बोला गया किसमें है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। क्या आप बोला गया किसमें है, ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होना इसका तभी पॉसिबल है जब इसको हम ऐसे नोट डाउन कर पाएँ कि a अपॉन b इक्वल्स टू में b अपॉन c इक्वल्स टू में c अपॉन d इक्वल्स टू में d बाई ई।
अगर ऐसे इनको हम नोट डाउन कर सकते हैं तो ये हमारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा वरना नहीं होगा। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। अब जो हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे आता है कि हमसे बोला जाएगा कि ए बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ए बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, देन हमें क्या होगा, तो हम इसको कैसे नोट डाउन कर पाएंगे इनको, कि ए अपॉन बी हमारा किसके इक्वल होगा, बी अपॉन सी के, यानी जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो अगर इस रूल को फॉलो करेगा तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है वरना नहीं है। यहाँ पे हम इस वाले को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, याद रखना है आपको फर्स्ट प्रोपोर्शनल। सी वाले को बोलते हैं हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। और बीच वाला जो बी आपका है, ये बी, इसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये हमारा किसका तरीका है, हमारा ये कह लो उसके लिए है आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। ये तो हम आपको याद रखना है, बीच वाला आपका क्या है मीन प्रोपोर्शनल है, ये फर्स्ट है और ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आपको बोला जाए कि ए बी सी एंड डी हमारे प्रोपोर्शन में है कॉन्टिन्यूड में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन, ओ सॉरी, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, देन तो ये हमारा प्रोपोर्शन एंड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कह लो हो गया। इन दोनों से एक क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम्स में, या तो एमसीक्यू में आ जाए या फिर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो। ठीक है, देन आगे हम चलते हैं। कुछ हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, इनको आप थोड़ा अच्छे समझेंगे। ठीक है, पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स का फार्मूला सीट का वीडियो प्रोवाइड किया गया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको आप जाकर देख लें, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला हमें समझना होता है इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो का मतलब क्या है कि अगर आपको बोला जाए कि ए अपॉन बी हमें दे रखा है सी अपॉन डी के इक्वल, तो जब हम इनवर्टेंडो अप्लाई करेंगे, इनवर्टेंडो अप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या नोट कर पाएंगे, बी अपॉन ए इक्वल टू डी अपॉन सी। दूसरा प्रॉपर्टी आपका है अल्टरनेडो, अल्टरनेडो। अल्टरनेडो का मतलब क्या है कि अगर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी दिया गया हो तो इसको हम क्या चेंज कर पाएंगे कि ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी, इनको हम आपस में स्विच कर लेंगे, इसी को बोला गया अल्टरनेडो। ठीक है, देन थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी कह लो कन्वर्टेंडो, कन्वर्टेंडो। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी दिया हो तो कन्वर्टेंडो का मतलब, हाँ सॉरी ये नहीं है हमारे पास, ये जो मैंने पहले बता रखा है वही है हमारा, इसको छोड़ दें आप। अब अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका यूज आपको एग्जाम में करने को मिल सकता है कॉम्पोनेंडो। अगर आपको दिया जाए कि ए अपॉन बी हमारे पास है सी अपॉन डी, तो जब इस पर हम कॉम्पोनेंडो अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को हम लोग चेंज कर देंगे, ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। इसी में फोर्थ थर्ड था ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी आती है आपकी डिविडेंडो, डिविडेंडो कि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी हमें दिया जाए तो जब हम डिविडेंडो अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ए माइनस बी बाई बी एंड सी माइनस डी बाई डी। ठीक है, देन फिफ्थ आपका आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, इसको आप याद कर लो समझ लो अच्छे से, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको आप सही समझ लेंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। हमें इसमें क्या होता है कि ए अपॉन बी अगर आपको सी अपॉन डी के बराबर दिया जाए और आपको बोला जाए अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो हम इसमें क्या चेंजेस कर रहे होते हैं कि हम न्यूमरेटर को लिखेंगे एक बार, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, सेम यही चेंज हम इस साइड भी अप्लाई करेंगे, सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। और ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कह लो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्विक रिवीजन वीडियो था। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो आपको कौन सा चैप्टर का चाहिए आप हमें कमेंट करके बताओ। थैंक यू।